हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फर्स्ट नाइट के बारे में। यस, टाइटल से आप सब देख पा रहे होंगे, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू मेक योर फर्स्ट नाइट मेमोरेबल, यानी फर्स्ट नाइट को आप कैसे यादगार बनाएं, क्या करें क्या नहीं करें, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे। शादी के बाद पहली रात यानी जो फर्स्ट नाइट होती है उसको कैसे बनाया जाएगा रोमांटिक, ये सब चीज़ें हम ना चाहे लड़के हों चाहे लड़की, यानी एक मेल हो चाहे फीमेल हो, हम लोग सोचते ही हैं, बहुत पहले से सोचते हैं। मतलब शादी तय हो जाती है ना, उसी दिन से हम सोचने लगते हैं ये सब। और यार ये सब ना मन का, मतलब माइंड का गेम है। माइंड में जो चीज़ें आती हैं हम वही चीज़ें सोचते हैं। हम कुछ वीडियोज़ देखते हैं, फ़ोटोज़ देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, टीवी सीरियल ना जाने क्या क्या चीज़ें हम देख लेते हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है कि हम क्या इमेज बना चुके हैं फर्स्ट नाइट के लिए अपने माइंड में। ऐसा हकीकत में बिल्कुल भी नहीं होता है। एक आम सी लाइफ होती है वो भी, बस उसमें ये होता है कि आप लीगली हस्बैंड वाइफ के तौर पे एक रूम शेयर कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और वहाँ उस रात से आप हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। तो बस फर्स्ट टाइम वो थोड़ी ऑकवर्ड वाली सिचुएशन हो सकती है। तो आपको करना क्या है, यहाँ मैं आपको टिप्स बताऊँगी हाउ टू मेक योर फर्स्ट नाइट मेमोरेबल, ताकि आप पूरी लाइफ अपनी फर्स्ट नाइट को याद करें, उसको सोच के खुश हो सकें। क्योंकि शादी के बाद जो फर्स्ट नाइट होती है ना, उसकी बात आप ज़िंदगी भर करते हैं। मतलब चाहे आपकी शादी के 10-15 साल भी हो जाए तो भी आपको याद रहेगा। तो ये टिप्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। पॉइंट नंबर वन, गर्ल्स यहाँ ये कहना चाहूँगी आपको एक्सपेक्टेशन कम रखनी है। जितनी ज़्यादा कम एक्सपेक्टेशन रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब ऐसा होता है कि आप टीवी सीरियल यूट्यूब और गूगल न जाने कितना कुछ देखते हैं अपनी फर्स्ट नाइट से पहले, और आप ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं कि आपको लगता है कि आप एक इमेजिनेशन बना लेते हैं, मतलब ऐसा सोच लेते हैं कि ऐसा ही होगा। और जब वैसा नहीं होता है तो आपको फिर हर्ट होता है। मैं इतना कहूँगी कि टीवी फिल्मों की दुनिया पे मत जाइएगा, रियलिटी अलग होती है। रियलिटी हर तरह से अलग हो सकती है। हो सकता है कि आपने सोचा हो कि आपका इस तरह से बेडरूम मेकओवर होगा, उस तरह शायद ना हो पाए, या हो सकता है आपने कुछ और सोचा होगा, जैसा भी आप सोचें वैसा ना हो पाए। तो एक्सपेक्टेशन आप बिल्कुल ना के बराबर रखिए, कम रखिए। पॉइंट नंबर टू, ये बात तो कहने की ही नहीं है, फर्स्ट नाइट अगर आपकी है गर्ल्स तो आप फुल बॉडी वैक्सिंग कराएंगे, यानी शादी से पहले आप फुल बॉडी वैक्सिंग कराते हैं। मैं यहाँ से इतना कहना चाहूँगी कि आप लेज़र वैक्सिंग भी प्रेफर कर सकते हैं अपनी शादी के टाइम पे। एंड अगर आप लेज़र नहीं कर रहे हैं तो आप फुल बॉडी के साथ प्राइवेट पार्ट भी वैक्स करवाइए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक पर्सनली राय देना चाहूँगी गर्ल्स, वैक्सिंग तो आपने करा ली, बट क्या होता है हम लड़कियों के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा टैन होते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, तो उसकी आप पहले से ही केयर शुरू कर दीजिए। मैंने कुछ आपको DIYs बताए हुए हैं तो वो DIY फॉलो कीजिए। बहुत सारी जगह ऐसी होती है बॉडी में जहाँ पे कालापन आ जाता है, तो उसको पहले से ही, मतलब 2 महीने पहले से ही, आप शादी के 2 महीने पहले से ही उस जगह को क्लीन करना शुरू कीजिए, स्क्रबिंग कीजिए, वहाँ पर प्रॉपर DIY पेस्ट लगाइए ताकि उसका टैनिंग रिमूव हो सके। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको डी टैनिंग ज़रूर करनी है और बॉडी के हर पार्ट में डी टैनिंग करनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे ये कहना चाहूँगी, अगर आप एक मेल हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी फर्स्ट नाइट है तो एक मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी होने वाली वाइफ, यानी वाइफ हो जाएंगी ऑब्वियसली शादी के बाद, तो वाइफ के वेलकम के लिए आप बेडरूम मेकओवर करवाइए। बेडरूम मेकओवर के साथ आप बेडरूम डेकोरेशन भी करवाइए, उनको स्पेशल फील होगा। डेकोरेशन का पार्ट मतलब मेल्स पे जाता है, और जितना ज़्यादा आप अच्छा से डेकोर करवाएंगे उतना ज़्यादा आपकी फर्स्ट नाइट और ज़्यादा ब्यूटीफुल, रोमांटिक और मेमोरेबल बनेगी। नंबर 4 में गर्ल्स मैं ये कहना चाहूँगी कि आप एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराइए। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपको ऐसे कपड़े या इस तरह का मतलब गेटअप नहीं रखना है जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो। फीमेल के लिए खास तौर पे कहूँगी, अगर आपने कोई ऐसी ड्रेस या ऐसे कपड़े पहन रखे अपनी फर्स्ट नाइट पर जिसमें आप कंफर्टेबल ही नहीं हैं, तो आप पूरी रात ना अनकंफर्टेबल ही रहेंगे और आपके साथ साथ आपके हस्बैंड भी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो प्रॉपरली पहले तो इस तरह से आप गेटअप रखिए, क्लोथ्स, हेयर स्टाइल और ज्वेलरी
जरूरी, जो भी आपने पुट ऑन किया हुआ है, जो भी मेकअप आपने किया है अपने फर्स्ट नाइट के लिए, वो आप ऐसा रखें जिसमें आप कंफर्टेबल हों। एंड मेल्स के लिए भी सेम कहना चाहूँगी, जो भी क्लोदिंग वो कर रहे हैं वो भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल हों, रिलैक्स हों, और एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराना है। सिर्फ आप कंफर्टेबल होंगे इससे आपकी फर्स्ट नाइट अच्छी नहीं होगी, आपको एक दूसरे को कंफर्टेबल करवाना है। जो भी आपको लग रहा है कि आपकी इस एक्टिविटी से आपका पार्टनर कंफर्टेबल हो रहा है, तो वो ज़रूर कीजिए, चाहे फिर वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ गर्ल्स, यहाँ ये कहना चाहूँगी, वैसे फर्स्ट नाइट को हर लड़की को ना शाइनेस होती है बहुत ज़्यादा अंदर से, ना उसको एक अजीब सा, मतलब डर नहीं कहूँगी, अजीब सी ऑकवर्डनेस लग रही होती है उसको, ये लग रहा होता है पता नहीं क्या होगा, सही होगा या नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और एक और बात बताऊँ, ये फीमेल्स के साथ नहीं होता है, मेल्स भी यही सोच रहे होते हैं, ख़ास तौर पर अरेंज मैरिज जब होती है। अरेंज मैरिज में ज़्यादातर लड़कियाँ और लड़के दोनों ही एक दूसरे के लिए ये सोच रहे होते हैं कि कहीं मैं कुछ ऐसा ना कर दूँ कि मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाओ, मन में इतना कुछ चल रहा होता है ना, बस यही चीज़ सोचते रहते हैं हम। मैं ये कहूँगी, अगर आपको फर्स्ट नाइट इन्जॉय करनी है, अपनी मेमोरेबल बनानी है, तो उसके लिए आप कॉन्वर्जेशन रखिए। ऐसा नहीं है कि आपको ऑकवर्ड ना लगे, सामने वाले को ऐसा फील कर रहे हैं तो आप शांत बैठे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, कॉन्वर्जेशन ही नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट नाइट आप बात करेंगे, और जितनी ज़्यादा बातें करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। एज अ फ्रेंड से स्टार्ट कीजिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम आप बिल्कुल ही क्लोज आ जाएं, नहीं, आप एज अ फ्रेंड से स्टार्ट कीजिए, नॉर्मल बातें कीजिए और पॉजिटिव बातें कीजिए, आपको नेगेटिव बातें नहीं करनी है। जैसे कि आप बातें कर सकते हैं अपनी शादी से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, एक दूसरे की तारीफ़ कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे जो टाइम स्पेंड किया है अच्छाइयाँ बता सकते हैं एक दूसरे की, जो भी चीज़ है अच्छाई बतानी है। मतलब ऐसा मत कीजिएगा कि फर्स्ट नाइट पर आप बुराई करना शुरू हो गए। पास्ट लाइफ के बारे में आपको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है, जो भी करना है फ्यूचर से रिलेटेड बातें करनी है, अच्छी बातें करनी है, जो सुन के सामने वाला यानी आपका पार्टनर खुश हो, ऐसी बातें करनी है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो इस तरह से आपको ज़रूर करना है। कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ गर्ल्स, यहाँ ये कहना चाहूँगी, अगर आप मेल हैं या फीमेल मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार लाइक कर दीजिएगा, एंड दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि उनको अपनी फर्स्ट नाइट को कैसे यादगार बनाना है। अगर आपकी फर्स्ट नाइट है और आप घर में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, या आपके घर में उतना स्पेस नहीं है, बहुत सारे गेस्ट आते हैं, और क्या होता है हमारे इंडियन कल्चर में, हम लोग एडजस्टमेंट ना बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब एक बिहेवियर ही है कि एक ही घर में ज़्यादा गेस्ट होते हैं तो बस एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर इस तरह से आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप बाहर होटल में एक कोई रूम बुक कर सकते हैं, वहाँ अच्छी सी ब्यूटीफुल तरह से डेकोरेशन करवा सकते हैं और वहाँ अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय कर सकते हैं। फर्स्ट नाइट को मेमोरेबल बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी ब्राइड के लिए और ब्राइड आप अपने ग्रूम के लिए कोई प्यारा सा गिफ्ट ज़रूर परचेज़ कीजिए और उन्हें दीजिए। गिफ्ट देना मतलब ये होता है कि अगर आप फर्स्ट नाइट पे गिफ्ट दे रहे हैं तो ये ज़िंदगी भर याद रहेगा कि फर्स्ट नाइट को आपको ये गिफ्ट मिला। वैसे ज़्यादातर लड़के लड़कियों को गिफ्ट देते हैं, बट मैं ये कहूँगी कि फीमेल्स भी गिफ्ट परचेज़ करें और अपना फीमेल भी एक गिफ्ट दें। मैंने एक गिफ्ट की लिस्ट बनाई हुई है कि क्या क्या फीमेल गिफ्ट कर सकती है अपने ग्रूम को, वो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी, आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आइडिया ले सकते हैं, एंड गिफ्ट ज़रूर दीजिए। एंड यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे ये कहना चाहूँगी गर्ल्स, अगर आपका मतलब कमिंग कोई वीकेंड आने वाला है, कोई ऑफ है, या मतलब शादी के बाद नेक्स्ट डे आप कहीं बाहर जा सकते हैं, कोई भी ऐसी जगह है बाहर आसपास आपके घर की घूमने की, जहाँ पे आप थोड़ी देर अपने पार्टनर के साथ जा सकते हैं, उस तरह की आप बात कीजिए कि आप बाहर जा सकते हैं। या अगर आपका हनीमून तुरंत ही है नेक्स्ट डे या दो तीन दिन बाद, तो आप हनीमून से रिलेटेड बातें कर सकते हैं। वैसे सारी प्लानिंग पहले से होती है हनीमून की, बट स्टिल आप क्लोदिंग एंड चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह के कपड़े पैक करेंगे हम लोग हनीमून पे, ये करेंगे वो करेंगे, जिस तरह भी आपको आपका हनीमून एंजॉय करना है वो सारी कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। इससे आप अपनी फर्स्ट नाइट भी एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ प्लानिंग भी हो जाएगी। बस एक और चीज़ कहना चाहूँगी, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट नाइट पे इंटीमेट हों अपने पार्टनर से, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है इंटीमेसी। ज़रूरी ये है कि आप अपनी फर्स्ट नाइट को कैसे इन्जॉय करते हैं, एक दूसरे को स्पेशल फील कराना है आपको, और स्पेशल फील कराने के लिए आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप डिस्टेंस बना रहे हैं, अब आपकी शादी हो गई है, ऑब्वियसली आपका और उनका राइट बनता है, तो आप मतलब एक साथ बैठ के बातचीत करिए, कुछ फ़ोटोज़ लीजिए एंड हग किस वगैरह आप कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं, और ये आपकी फर्स्ट नाइट को बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बनाता है।
नेक्स्ट पॉइंट पे ये कहना चाहूंगी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी भी चीज़ का एक दूसरे पे आप प्रेशर मत बनाए। मेल्स अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको ना फीमेल्स पे प्रेशर नहीं बनाना है। आपको सिचुएशन समझनी है, जब एक फीमेल कंफर्टेबल होगी तभी वो आपके साथ कुछ भी इंटीमेट हो पाएगी। ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग की होती हैं, दोनों साइड से अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के ज़माने में 99% लोग समझते हैं, टाइम लेते हैं, क्योंकि एक अरेंज मैरिज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब तक हम एक दूसरे को समझ ना लें। और जब तक आप एक दूसरे को समझ नहीं लेंगे तब तक आप क्लोज कैसे आएंगे। तो सबसे पहले आप कुछ टाइम दीजिए अपने हनीमून से पहले, खूब सारा टाइम स्पेंड कीजिए अपने पार्टनर के साथ, एक दूसरे को समझ लीजिए और उसके बाद आप अपना हनीमून टाइम एंजॉय कीजिए। बस ये कहना चाहूँगी, अगर आप नर्वस हो रहे हैं, ऑकवर्ड लग रहा है आपको, ऑकवर्डनेस हो रही है, ये चीज़ें आप सोच रहे हैं कि अरे सिर्फ मुझे ही क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब मेरी फ्रेंड की शादी हुई तो उसको ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें मुझे ही क्यों फील हो रही हैं, कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कुछ गलत तो कोई नहीं सोच लेगा, अगर ये आपके मन में चल रहा है कि सिर्फ मुझे ही ऑकवर्डनेस फील हो रही है तो आप गलत हैं। अगर आपकी फर्स्ट डेट है, आप फीमेल है चाहे मेल है, देखिए किसी को कम ऑकवर्डनेस और नर्वसनेस होती है, किसी को ज़्यादा होती है, तो ये नेचुरल है। चाहे कितनी भी कैसी भी लड़की हो, कितनी मॉडर्न हो, लेकिन नर्वसनेस एक बहुत आम बात है और होती ही होती है। ये टाइम ऐसा होता है, तो आपको ये नहीं सोचना कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, टाइम के साथ सब कुछ दूर हो जाता है, सब चला जाता है, बस एक दो दिन की बात होती है। धीरे धीरे आप घुलने लगते हैं, मिक्स होने लगते हैं अपनी नई फैमिली में, अपने हस्बैंड के साथ फ्रैंक होने लगते हैं और सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो बस एक दो दिन की बात होती है वो शाइनेस की, उसके बाद तो सब ठीक हो जाता है। ये कहना चाहूँगी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में, अब क्या होता है, मैंने ही आपको बताया कि आपको अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराना है, कंफर्टेबल फील कराना है। अब ऐसा ना हो कि आप एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराते कराते इतना ज़्यादा कंफर्टेबल कर दें कि आप ऐसा कह दें कि मैं यहाँ पे सो जाता हूँ बेड पे, आप बेड पे सो जाइए, मैं सोफे पे सो जाता हूँ, या फिर मैं बाहर सो जाता हूँ। अब इतना भी कंफर्टेबल मत करा दीजिएगा, क्योंकि आपको क्लोजिंग बढ़ानी होता है, एक दूसरे के पास आना है आप लोगों को, ऐसा करके एक दूसरे से डिस्टेंसिंग नहीं बढ़ानी है, आपको दूर नहीं जाना है। तो चाहे कुछ भी हो, आप सेम रूम शेयर कीजिए, सेम बेड शेयर कीजिए, वेदर यू आर कंफर्टेबल और नॉट, बट ये चीज़ आपको समझनी होगी, इतना आपको बोल्ड होना होगा, इतनी साइनेस आपको मतलब रखनी ही होगी, ये चीज़ मतलब ये आपको करना ही करना है। देखिए दो बातें होती हैं, किसी की लव मैरिज होती है, किसी की अरेंज मैरिज होती है। आजकल क्या होता है, अरेंज मैरिज भी लव मैरिज की तरह होने लग गई। अगर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है तो लोग पहले से ही इतना बार मिल लेते हैं, कपल्स इतनी ज़्यादा कॉन्वर्जेशन हो जाती है उन पे वीडियो कॉल, चैट्स और फ़ोन पे, कि उनको लगता ही नहीं कि उनकी अरेंज मैरिज हो रही है। मतलब आज का ज़माना मतलब लेटेस्ट ज़माना है, पहले ज़माने में ऐसा होता था कि बिना चेहरा देखे ही शादी हो जाती थी, बट आज के ज़माने में अरेंज मैरिज को भी लव मैरिज की तरह किया जा रहा है। बट अगर इन सिचुएशन कहीं आपकी ऐसी जगह शादी हो रही है, ऐसे नियम है आपके घर में जहां लड़का लड़की ज़्यादा मिल नहीं सकते या बात नहीं कर सकते, यानी आपकी अरेंज मैरिज हो रही है और आपने अपने पार्टनर से ज़्यादा एक ही बार मिले हैं और बस कुछ भी बातें नहीं हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंसिंग है आप लोगों के बीच में, तो उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एक लड़की को मतलब फील होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो रेडी नहीं होती है किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और वो ना कंफ्यूज़ होती है, टेंशन में होती है, समझ नहीं पाती है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी, अगर वो सिचुएशन आपके साथ है, आप एक दूसरे को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही कॉन्वर्जेशन नहीं हुई है, इतना भी फ्रैंक नहीं हुए हैं आप, तो फिर आपको करना ये है कि फर्स्ट नाइट पे ही आप स्टार्ट कीजिए, वही टाइम है, आप फर्स्ट नाइट से ही एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, पसंद ना पसंद जानिए, और जो भी कॉन्वर्जेशन आपको शादी से पहले करनी है वो शादी के बाद कीजिए। टाइम लीजिए, टाइम के साथ एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे, समझ पाएंगे एक दूसरे को और अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट पे मैं गर्ल्स इतना कहना चाहूँगी कि आप अपनी फर्स्ट नाइट पे फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। अब फ्यूचर प्लानिंग भी आपकी फैमिली प्लानिंग हो सकती है, आपकी करियर से रिलेटेड हो सकती है, या कोई और भी प्लानिंग हो सकती है, जैसा भी आप हस्बैंड वाइफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो। जैसे कि आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो आप उनसे जो भी है आप बता सकते हैं कि हाँ आप शादी के इतने टाइम बाद, या जो भी आपकी प्लानिंग है एजुकेशन जॉब की, वो सब बातें भी कीजिए। ऑब्वियसली वो आपका फर्स्ट नाइट है, आप सब चीज़ें शेयर करेंगे मन की। एंड अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो फैमिली प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को एक दूसरे को बताना होगा कि कब आप ये चीज़ सोच रहे हैं, उस हिसाब से आप प्रिकॉशंस लेंगे एंड अपना टाइम स्पेंड करेंगे। आई होप कि आपको ये वाले टिप्स अच्छे लगे होंगे। आप ये वाले टिप्स अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।